स्टूडेंट्स सेवेंथ क्लास बच्चों, आज हम आपकी बुक का चैप्टर एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, समझेंगे और इसमें डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ग्रुप में डिस्कशन वाला चैप्टर है और आपकी नॉलेज में बहुत जो है बहुत इंक्रीमेंट करने वाला, बहुत इंक्रीज करने वाला आपकी नॉलेज को वाला चैप्टर है। ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपने घर में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट बच्चों, एनवायरनमेंट क्या है? पर्यावरण है ना, जो पर्यावरण है हमारे आसपास, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, जिसके द्वारा फसलें प्राप्त हो रही हैं हमारे सॉयल वगैरह के द्वारा, है ना। ये हमारा आसपास जो भी सराउंडेड जो भी एरिया है सब पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। इसको हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बच्चों पहले तो, कि पर्यावरण होता क्या है। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारा रोज का जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण। पर्यावरण के बिना पृथ्वी पर अगर जैसे पानी है, पानी किसी भी ग्रह पे नहीं है, है ना, ये भी हमारे पर्यावरण में आता है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। और ऑक्सीजन जो मनुष्य के सांस लेने के लिए ज़रूरी है, ये भी पर्यावरण में आती है, जो कि पृथ्वी के सिवा किसी भी ग्रह पर कोई ऑक्सीजन का साधन नहीं है, ठीक है ना, ये भी सब पर्यावरण में आता है। तो हमारे जीवन का जो आधार है वही एनवायरनमेंट है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, ये हमें जो है सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है। द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं वो देता है। द फूड, जो हम खाना खाते हैं। एंड लैंड वेयर वी लिव, जहाँ पर हम रहते हैं वो जो हमें प्राप्त होती है, ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। पृथ्वी जो हम पैर रखते हैं उस पर रहते हैं, है ना, तो ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण ही है जिसके कारण हमारा जीवन जो है संभव हो सकता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, इस प्राकृतिक एनवायरनमेंट को कैसे डिस्क्राइब कर सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है कोई भी इंसान। द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड, फ्यूम्स पोल्यूटेड, जो कार होती है वो एयर को पोल्यूट कर देती हैं। और पानी जो है एक बर्तन में भरा जाता है, वाटर इज कलेक्टेड इन ए पोर्ट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, ये सब भी पर्यावरण है। पानी जैसे किसी बर्तन में लिया जाता है ना, और जो पानी किसी बर्तन में लिया, खाना किसी प्लेट पर परोसा जाता है, और जो लैंड है उस पर नई नई फैक्ट्री बनती है, जिससे कि हमें कुछ खाने को प्राप्त होता है, हमारी नीड जो पूरी होती है, ये भी सब पर्यावरण है। बट बच्चों इनमें अंतर क्या है, है ना, कुछ जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, नेचुरल जो चीज़ें मिल रही हैं, और कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरत पूरी कर रही हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कुछ बर्तन हैं, ये हमारी नीड पूरी कर रही हैं। तो इनमें अंतर है बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। मीन्स कुछ हमारे बीच में जो है मैन मेड एनवायरनमेंट है और कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट है, मतलब ये सब चीज़ें ह्यूमन बनाता है, और कुछ जैसे फैक्ट्रीज हैं, फसल उगाता है ना, बर्तन बनाता है अपनी नीड पूरी करने के लिए, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो सब मैन मेड है, और जो कुछ चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से नेचुरल प्राप्त होती हैं प्रकृति से, वो जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है। हम कैसे इसका वर्णन करेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो प्रकृति से प्राप्त चीज़ें हैं, और कार मिल्स है, फैक्ट्री, ये सब मैन मेड है। ये देखिए है ना, ये सब चीज़ें आपने एनवायरनमेंट के बारे में देखी, कि एनवायरनमेंट हमारा हरी भरी जो पेड़ पौधे ये सब चीज़ें हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, है ना, नेचुरलिटी से। तो इनको नेचुरल एनवायरनमेंट बोल लेंगे, और कुछ चीज़ें जो हैं मनुष्य बनाता है वो मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। ये एक स्टोरी के द्वारा समझिए बच्चों, एक स्टोरी दी गई है जिसमें कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और कुछ इसमें क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे जिनको आप सोल्व करना है आपको।
आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, बहुत लंबी छुट्टियों के बाद में जब रवि स्कूल गया, रवि एक बच्चा था वो स्कूल जाता है, ही नोटिस्ड दैट, उसने नोटिस किया प्ले ग्राउंड टू ही स्कूल वॉज डग अप, उसके स्कूल के पास में एक प्ले ग्राउंड जहाँ पर वो बच्चे खेलते थे वो खोदा जा रहा है। पीपल सैड दैट ए हग बिल्डिंग विद ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, वहाँ के लोग बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी और जहाँ पर फ्लैट बनेंगे, जहाँ पर बिल्डिंग में फ्लैट वगैरह बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी और इसलिए इस मैदान को खोदा जा रहा है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, रवि की आंखों में ये सुनकर आंसू आ गए। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्ले ग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गोन फॉर एवर ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद क्लासमेट इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इन चेंजिंग। तो उसने अपने ये जब फीलिंग थी उसे लगा कि ये मेरा प्ले ग्राउंड, इसकी सॉफ्ट सॉफ्ट घास जहाँ पर मैं खेलता था, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पौधे होते थे, जहाँ पर तितलियाँ तैरती थी, ये सब मैं मिस करूँगा, है ना। उसने अपनी ये सब बातें, अपनी फीलिंग्स जो महसूस किया अपने स्कूल में जाके आपस में शेयर किया अपने क्लासमेट से, अपने साथियों से, क्लास के विद्यार्थियों से। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग, प्रिंसिपल भी जो थे स्कूल के वो भी जो ये भी सोच के हैरान थे कि कैसे एनवायरमेंट बदलता जा रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड टीचर, टीचर से पूछा क्लास में जाके रवि ने, व्हाट इज एनवायरमेंट, सर ये एनवायरमेंट क्या है, ये पर्यावरण क्या चीज़ है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर, टीचर ने क्या जवाब दिया, जो भी अपने चारों तरफ आप देखते हो अपने सराउंडिंग में वही एनवायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, रवि ने सोचा दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल चेयर्स इन द क्लासरूम इवन दैट ओपन फील्ड द रोड इन द गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट, इसका मतलब आसपास की स्कूल बिल्डिंग है ना, कुर्सियां हैं, क्लासरूम है और जो खुला मैदान है, कूड़ा करकट है, मेरे दोस्त हैं और ये सब क्या मतलब एनवायरनमेंट में आते हैं। रवि ने अपने मन में सोचा कि टीचर बोल रहे हैं कि हमारे आसपास जो भी हैं वो सब एनवायरनमेंट है। तो रवि ने इस तरह से अपना दिमाग लगाया कि सब ये एनवायरनमेंट में आते हैं। यस सैड द टीचर, टीचर बोले हाँ रवि तुम सही सोच रहे हो, ये सब एनवायरनमेंट में आते हैं। बट वेट, लेकिन सोचो थोड़ा रुक जाओ, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे जो वस्तुएं हैं जो कि हमें नेचर के द्वारा प्राप्त हुई हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, है ना, ये सब हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि पीपल बनाते हैं, मेड बाय पीपल होती है, जैसे रोड हैं, कार्स हैं, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब जो लोग बनाते हैं, है ना, ऐसी चीज़ें हैं। तो अब रवि को अच्छे से समझ आया थोड़ा कि हाँ एनवायरनमेंट में अलग अलग चीज़ें कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर, आप भी बच्चों एक काम करना, अपने घर में ही एक लिस्ट बनाना, अपने चारों तरफ जो है आपके जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दें उसकी उसको डिवाइडेशन करना कि कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं और कौन से मैन मेड है ना। आप ये अपनी कॉपी में लिखना, ये वाली लिस्ट बना के जब स्कूल खुलेंगे मैं चेक करूँगी, ठीक है बच्चों। ये लिस्ट बनाएंगे सब बच्चे और अपनी कॉपी में लिस्ट में लिखेंगे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रवि परमजीत जय सब बच्चे मिलके आपस में इन्होंने लिस्ट बनाई और इनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की इनको ज़रूरत है और इसको इसके आधार पर इन्होंने अपने आसपास की सभी चीज़ों को डिवाइड किया और बताया कि भाई कौन से मैन मेड हैं और कौन से नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। इन्होंने समझा आपस में, डिस्कशन किया, दे आर
ये देखिए मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये भी डिटेल से जो है कितने कितना सुंदर चित्र दिया गया है एनवायरनमेंट का, है ना। ये देखिए बच्चों, ये भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट के क्या क्या तत्व होते हैं। एक तो ह्यूमन जो मनुष्य है वो एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, एक तरह से हमारा पर्यावरण क्रिएट करता है ना। ये कंपोनेंट है, सबसे पहले ह्यूमन, ह्यूमन में कैसे जो भारत देश में जो वासी रहते हैं हमारे भारत का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इकोनॉमी जो व्यवस्था है कि कितना जो ट्रेड हो रहा है कितना नहीं हो रहा है उसके अकॉर्डिंग में हमारा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एजुकेशनल सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग भी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, पर्यावरण बनता है हमारा कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं और नहीं हैं, दोनों की क्रिएटिविटी में अंतर होता है। रिलीजन है, धर्म के अकॉर्डिंग भी हमारा एनवायरनमेंट बनता है। कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सा समुदाय, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या अलग अलग समुदाय के जो पीपल होते हैं उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। फैमिली के अकॉर्डिंग होता है और किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, है ना। यह कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स लिख के आपको ये बनाना है डायग्राम। और फिर देखिए नेचुरल नेचुरल जो तत्व है, नेचुरल में क्या क्या आते हैं, पेड़ पौधे, बादल, बारिश होती है जिससे हमारी एयर वगैरह जो होती है हमें ऑक्सीजन जो है हमारे लिए आवश्यक है, मनुष्यों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है, ये सब गैस हमें एयर में मिलती हैं। एंड लिथोस्फियर लैंड जो नीचे का पार्ट है लिथोस्फियर बोलते हैं उसे, जो कठोर भाग है, है ना। बायोस्फीयर पेड़ पौधे वगैरह जो हैं ये सब बायोस्फीयर में आते हैं। हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं जो कि पानी का जो हिस्सा होता है उसमें हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं उसे, जैसे समुद्र है, रिवर है, ये सब चीज़ें जो है हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, है ना। और देखिए ये तो हो गए नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, एनवायरनमेंट के तत्व हैं, और ये ह्यूमन मेड जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं ना, इंडस्ट्रीज़ हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल है, लाल किला है और मंदिर वगैरह जो पुराने हमारे, और रोड्स हैं, ब्रिज हैं, पार्क्स हैं, बिल्डिंग हैं, ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। ये तत्व हैं हमारे एनवायरनमेंट के, इसका आपको चित्र बनाना है, डायग्राम अपनी कॉपी में बनाना है। और दो तरह के होते हैं जैसे एनवायरनमेंट हमारा, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक वो कंपोनेंट है, वो तत्व हैं जो कि जीवित वस्तु जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म जैसे मनुष्य है, ह्यूमन, जो भी लिविंग वस्तु है, जीवित वस्तु है वो बायोटिक कहलाएगी, और जो निर्जीव वस्तु है वो अबायोटिक कहलाएगी, है ना। कुछ भी जैसे लैंड है, पहाड़ है, और जो भी निर्जीव वस्तु में है जो वो अबायोटिक कहलाती है। फ्रॉम द अबाव कंजर्वेशंस ऑफ द फ्रॉम द अबाव कन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचुरल दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। कुछ भी जो चीज़ें नेचुरली है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट कहलाती हैं। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमिना। ये सब किस किस चीज़ से बनी है, नेचुरल से भी और ह्यूमन मेड का जो भी कॉम्बिनेशन है, सबसे मिलकर जो भी चीज़ बनी है वो वातावरण कहलाता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक अबायोटिक, बायोटिक भी होता है, अबायोटिक भी होता है, नेचुरल से प्राप्त, है ना। जो जीवित वस्तुएँ हैं वो बायोटिक, और जो जैसे कि लैंड है, वाटर है, माउंटेन्स है, जो नेचुरल द्वारा प्राप्त निर्जीव वस्तुएँ हैं उनको अबायोटिक कहते हैं। एंड बायोटिक कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ, ये अर्थ पे ही पाई जाती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवल्स द एक्टिविटीज क्रिएशंस एंड इनक्रिएशंस एंड इनक्रिएशन अमंग ह्यूमन बींग्स।
तो ह्यूमन एनवायरनमेंट है ये कैसे एक्टिविटीज़ को क्रिएट करता है, जैसे ह्यूमन के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ क्रिएट होती हैं, कि जैसे कोई काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई पौधों में पानी दे रहा है, कोई इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ मिलके जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हैं। ठीक है बच्चों, ये सब एनवायरनमेंट का आपने एक वो देखा, ये कल लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ बच्चों, है ना। इनकी डेफिनेशन फिर भी मैं कल आपको रिपीट कराऊंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड है ये। ठीक है, अब आप इतना आप अपनी कॉपी में करिएगा, बायोटिक अबायोटिक जो है एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट हैं वो लिखेंगे, और ये कंपोनेंट का एक डायग्राम बनाएंगे, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट तत्व जो होते हैं, और लिस्ट बनाएंगे कि हमारे आसपास कौन से जो नेचुरल एनवायरनमेंट और कौन सा मैनमेड एनवायरनमेंट है। ठीक है बच्चों, गुड डे।